हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक करेंगे, दैट इज हैरल्ड डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हैरल्ड डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड एक मॉडल है हमारा, ठीक है। जैसे कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हम कंट्री की ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, कैसे जीडीपी इंक्रीज हो सकती है, कैसे कॉन्टिन्यूस ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। इसमें कई हमारे बहुत सारे मॉडल हैं जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दिए, ठीक है। कार्ल मार्क्स है, ठीक है, हमारे सोलो मॉडल ऑफ ग्रोथ है। तो आज हम एक करने वाले हैं जो कि हैरल्ड डोमर मॉडल ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। नाम से तो हमको लग रहा है कि ये एक ही है, मतलब हैरल्ड डोमर एक ही है और उन्होंने जो है ये मॉडल दिया। लेकिन हैरल्ड डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये दो अलग अलग पोर्शन में दिया, ठीक है। हैरल्ड अलग थे और डोमर अलग थे, दोनों के टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इन्होंने जो अपना मॉडल दिया वो 1939 में दिया और डोमर ने जो अपना मॉडल दिया वो 1946 में दिया। काफ़ी बुक्स में आपको ये 47 भी मिल सकता है, तो आप चेक कर लेना जो आपके टीचर प्रेफर करें। बाकी ये 1946 के अंदर जहाँ तक ज़्यादा सोर्सेज में है। तो हैरल्ड ने अपना मॉडल 1939, डोमर ने 1946। लेकिन लेटर ऑन हमें पता चला कि दोनों मॉडल एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है, ये जो है दूसरे तरीके से बात कर रहे हैं और यहाँ इस मॉडल में थोड़ा सा एक तरह से कहते हैं कि ये जो है इस तरह चल रहा है तो ये वाला मॉडल इस तरह चल रहा है, पर एट दी एंड कंक्लूजन दोनों का सेम जगह पर आ रहा है, ठीक है। तो हैरल्ड डोमर मॉडल दोनों ही ऑलमोस्ट सेम मॉडल थे, दोनों का कंक्लूजन भी सेम था, तो इसलिए हमने इसको एक ही नाम रख दिया, दैट इज हैरल्ड डोमर मॉडल ऑफ ग्रोथ। हम डिस्कस दोनों को अलग अलग करेंगे, हैरल्ड का अलग, डोमर का अलग, ठीक है। लेकिन दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे एग्जाम में अगर हैरल्ड डोमर हो तो हम हैरल्ड का लिख देते हैं तब भी वो काम चल जाता है, लेकिन सिर्फ डोमर से काम नहीं चलता, ठीक है। बाकी आप दोनों भी लिख सकते हैं, हैरल्ड का भी और डोमर का भी। तो अगर हम इनकी कुछ मेन इंपॉर्टेंट बात करें हैरल्ड डोमर मॉडल ऑफ ग्रोथ की, तो इन्होंने जो है ना कैपिटल आउटपुट रेशियो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होती है? कैपिटल आउटपुट रेशियो होती है कि अगर मैं एक यूनिट कैपिटल लगाऊं तो मेरी क्या आउटपुट है, ठीक है। या मैं कहूं कि मान लो मुझे पांच बोर्ड का प्रोडक्शन करना है तो मुझे कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो कि एक पर्टिकुलर आउटपुट बनाने के लिए आपको कितनी कैपिटल की नीड पड़ती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो। इस चीज को उन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी दोनों ने, ठीक है। सेकेंड, सेविंग रेट को उन्होंने कहा कि अगर आपको अपने इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ की तरफ मूव करना है तो सेविंग होनी जरूरी है, क्योंकि सेविंग ही तो इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस था, सेविंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस था, तो हैरल्ड डोमर मॉडल के अंदर ना इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा इन लोगों ने फोकस दिया था। तो अब हम बात करते हैं, और दूसरी अगर हम बात करें कि इनका जो मॉडल था जो कीन्स का सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच थी, ठीक है, उस पर बेस्ड था, क्योंकि इन्होंने भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात की थी। बट कीन्स जो है वो शॉर्ट रन की बात करते हैं, लेकिन ये जो है ना पूरा लॉन्ग रन की बात करते हैं। हैरल्ड डोमर मॉडल जो था वो लॉन्ग रन पे बेस्ड था, ठीक है, वो हमें आगे पता चलेगा। इन्होंने अजम्पशन भी ली जिससे हमें पता चलता है कि वो लॉन्ग रन पे बेस्ड था, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इनकी अजम्पशंस की बात करें हैरल्ड डोमर मॉडल ऑफ ग्रोथ की अजम्पशंस, तो हमारी सबसे पहली अजम्पशन नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने अजम्पशन क्या ली कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या लिया, फुल एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी के अंदर क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब स्टार्टिंग से इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, ठीक है। और मतलब सारे के सारे रिसोर्स ऑप्टिमली अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड, जैसे कि मैंने कहा था कि इन्होंने लॉन्ग रन की बात की, अगर आपको याद हो तो हमारा परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस हमने जो किया था या लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किया था, उसमें हम क्या करते थे, लॉन्ग रन की बात करते थे। और हमने क्या कहा था कि जो एपीसी है वो हमेशा हमारा किसके इक्वल होगा, एमपीसी के, इन द लॉन्ग रन। तो सिमिलरली इन्होंने भी अजम्पशन ली कि एपीसी विल बी इक्वल टू एमपीसी, एपीएस विल बी इक्वल टू एमपीएस, ठीक है। तो इन्होंने ये अजम्पशन ली और इन्होंने क्या लिया कि सेविंग रेट और जो हमारी कैपिटल आउटपुट रेशियो है, ठीक है, क्या ली, सेविंग रेट। देखो सेविंग रेट हमारी क्या होती है, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम,
ट्रैफिक इज सेलिंग डिवाइडेड बाय इनकम, ये वो हम आगे डिस्कस करेंगे, एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो, आउटपुट रेशियो जो कि अपना होता है के बाय वाई, कैपिटल डिवाइडेड बाय आउटपुट, कैपिटल आउटपुट रेशियो आर कॉन्स्टेंट, मतलब कि वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि सपोज अगर आपको 5 यूनिट बनाने में 2 कैपिटल लग रही है तो वो 2 ही लगेगी, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम 3 कैपिटल लग जाए या उससे अगली बार 4 कैपिटल लग जाए या उससे कम लग जाए, ठीक है। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो से है सेविंग रेट से, सेविंग रेट का क्या मतलब है कि अगर आप अपनी इनकम का 20% सेव कर रहे हो तो आप 20 ही करोगे, उससे ज्यादा आप सेव नहीं करोगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम नेक्स्ट टाइम। तो सेविंग रेट भी कॉन्स्टेंट हो गई हमारी और कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो भी सेम हो गई। अब नेक्स्ट उनका क्या था, उन्होंने डेप्रिसिएशन को नहीं लिया, क्योंकि अब हमारी जो मोस्टली स्टोरी है वो कैपिटल आउटपुट रेशियो में चलती है, लेकिन कैपिटल में तो डेप्रिसिएशन लगता है, तो ये और अगर हम डेप्रिसिएशन लेके चले तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग डेप्रिसिएशन को लाएंगे ही नहीं बीच में, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इज नॉट अकाउंटेड फॉर, ठीक है। तो उन्होंने डेप्रिसिएशन को बीच में लिया ही नहीं था, ठीक है। तो हमारी जो मतलब कि ये जो थी ना कुछ उनकी एक फंक्शन थी, और अगर हम बात करें छोटी मोटी जैसे कि क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, वो ओपन इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखो हमने क्या बात की कि हम लोग जो है ना कैपिटल आउटपुट रेशियो ले रहे हैं, तो मतलब कैपिटल, तो कैपिटल जो है मतलब ऐसा नहीं है कि आप फॉरेन से ले आओ या इधर से ले आओ, हम अपने नेशन की बात करेंगे, हमारे नेशन की सेविंग रेट, हमारी नेशन की कैपिटल, क्योंकि अगर हमने ओपन इकोनॉमी की बात की तो सेविंग रेट और जो है कैपिटल आउटपुट रेशियो वो तो वेरी कर सकते हैं, हम दूसरे कंट्री से कैपिटल ला सकते हैं, हम दूसरे कंट्री से एफडीआई के थ्रू सेविंग्स भी ला सकते हैं, राइट। तो इसलिए उन्होंने क्या है क्लोज इकोनॉमी की बात, उन्होंने अपना मॉडल जो था वो क्लोज इकोनॉमी पे बेस रखा था, ठीक है। तो ये लाइक हमारी क्या है कुछ अजम्पशंस होगी। अगर हम बात करें इसके मेन मॉडल, तो अब जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि हम दोनों का क्या है अलग अलग करते हैं, हैरेट का अलग से और डोमर का अलग। तो पहले हम क्या करेंगे, हैरेट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो हैरेट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सो जो हमारा हैरेट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो था ना, उसमें उन्होंने मेनली कुछ ही चीजों की बात की थी, जैसे कि जो मैंने पहले भी बताया, वन इज कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये जो कि क्या होती है के डिवाइडेड बाय वन, मतलब इन्हीं दो चीजों के ऊपर इनका पूरा मॉडल चलेगा। नेक्स्ट सेविंग रेट, ठीक है, सेविंग रेट जो कि किसकी इक्वल होती है एस बाय वन, ठीक है। सेविंग रेट को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल एस से, कैपिटल आउटपुट रेशियो को स्मॉल सी से कर सकते हो, इससे कर लो, अल्फा बीटा कुछ भी कर लो आपकी मर्जी, ठीक है। तो मान लो हम स्मॉल सी या फिर इससे कर रहे हैं, ज्यादातर कुछ भी स्मॉल सी से हमें कैपिटल आउटपुट रेशियो को डिनोट करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो सेविंग रेट, आई होप दोनों आपको दोनों का मीनिंग पहले भी समझ आ गया होगा। कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या कि हमें एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट बनाने के लिए कितनी कैपिटल की नीड है, ठीक है। आपको क्या लगता है वैसे कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होनी चाहिए ज्यादा, एक कंट्री के लिए अच्छी कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होती है, क्योंकि भाई हर कोई चाहेगा ना कि कम में ज्यादा मिले, तो हमें ज्यादा आउटपुट मिले कम कैपिटल, यही चाहते हैं हम लोग, ठीक है, पैसा कम लगे और मिले ज्यादा, कम से कम कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा अच्छी रहती है हर नेशन की, ठीक है, ये तो अलग से बात है। नेक्स्ट हमारी सेविंग रेट, मतलब कि हम इनकम का कितना पार्ट सेव कर रहे हैं, ठीक है, इनकम का कितना पार्ट सेव कर रहे हैं, और ये जो है ना एक इंडिविजुअल लेवल पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे नेशन के लेवल पर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, हम इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम का कितना पार्ट जो है वो सेव हो रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, दैट इज सेविंग रेट। अब जो ये हमारा हैरेट का मॉडल था, इसकी मेन चीजों पे आने से पहले हम कुछ चीज डिस्कस करते हैं। जैसे हैरेट का जो मॉडल था, हमने 3 टाइप की ग्रोथ जो है 3 रेट ऑफ ग्रोथ को डिस्कस किया। वन वाज एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, सेकंड वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, और थर्ड जो थी हमारी नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो हैरेट ने क्या कहा कि एक तो पहले देखो हमें क्या अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ लानी है, ठीक है, नेक्स्ट हमें उसको सस्टेन करके भी तो चलना है ना ग्रोथ को, कि भाई अब तो हमने एकदम से 5-6% ग्रोथ रेट और पता चला नेक्स्ट ईयर माइनस में चली गई, तो उसको हमें सस्टेन भी करके रखना है, ठीक है। और फिर एक ग्रोथ की लिमिट भी तो होती है ना कि मैक्सिमम में इतनी ग्रोथ रेट अचीव करनी है, उससे ज्यादा भी हम नहीं कर सकते। जैसे कि चाइना है, उन्होंने क्या है
अब जो जो उनकी ग्रोथ रेट उनकी चल रही है ना, वो सोच रहे हैं कि हमारी ग्रोथ रेट किसी तरह कम हो, क्योंकि वो लिमिट से ज्यादा पहुंच रही है। ठीक है, तो हमें क्या है, इन तीन चीजों पे हैरिट का मॉडल जो है वो बात करते हैं। तो वो तीन ग्रोथ रेट क्या है, एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, नेक्स्ट इज वॉरंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, लास्ट नेचुरल रेट ऑफ। जैसे अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम इस तरह करते हैं कि एक्चुअल हमारी कंट्री की ग्रोथ रेट है कितनी, व्हाट इज द एक्चुअल ग्रोथ रेट। जैसे एट प्रेजेंट मान लो हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 5%, तो ये हमारी क्या होगी, एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ। वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ होता है कि हम लोग अगर अपनी लाइक किसी ग्रोथ को अचीव करना चाहते हैं तो हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी कैपिटल की। ठीक है, या इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से बोल सकते हैं कि अगर हम अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह, सभी रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करें तो हम मैक्सिमम कितनी ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। तो एक्चुअल ग्रोथ जो हमारी एक्चुअल ग्रोथ है, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ क्या, मैक्सिमम कितना अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम पूरे के पूरे रिसोर्सेज को अच्छे से ऑप्टिमली यूटिलाइज करें। नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, अब ये नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ उन्होंने क्या बात की कि जैसे हमने ऊपर बात की वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज करके। लेकिन ये जो नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, इसमें एक थोड़ा सा वो ये था कि उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ना नेचर की तरफ से कुछ लिमिट्स लगी हुई हैं। ठीक है, हमारे ऊपर नेचर की तरफ से कुछ लिमिट्स हैं, जैसे कि नंबर ऑफ लेबर इज लिमिटेड, हम उसको बढ़ा तो नहीं सकते ना रातों रात की नंबर ऑफ लेबर बढ़ा दें। तो विद इन दोज कॉन्स्ट्रेंट, विद इन दोज लिमिट्स अगर हम रहे उन लिमिट्स में, तो हम कितनी ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। तो ये इन्होंने तीन अलग अलग डिफाइन किया, एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, एक्चुअल कितनी, वारंटेड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के बाद मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जो हमारे पास ऊपर जो नेचुरल कॉन्स्ट्रेंट है जैसे कि नंबर ऑफ लेबर फिक्स है, तो ये जितनी भी हमारी नेचर की तरफ से हमारे ऊपर जो लिमिट्स लगी हुई है उनको ध्यान में रखते हुए हम कितनी ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, दैट इज द नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अब आपको देखो दिख रहा होगा कि जो एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ है वो नेचुरल से तो कम ही होगी, क्योंकि हमारे ऊपर नेचर ने कुछ लिमिट लगा रखी है, उससे ज्यादा तो हमारी एक्चुअल ग्रोथ हो ही नहीं सकती कभी भी। ठीक है, तो जितनी हमारी नेचुरल है, मतलब जो हमारी मैक्सिमम लिमिट्स पूरा करने के बाद भी जितनी होगी, उससे ज्यादा तो एक्चुअल कभी नहीं हो सकती। तो एक्चुअल विल ऑलवेज बी लेस देन दी नेचुरल, बट वारंटेड ज्यादा भी हो सकती है, वारंटेड नेचुरल से कम भी हो सकती है। ठीक है, वारंटेड क्या है कि मैक्सिमम हम कितनी अचीव कर सकते हैं सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करके, तो ये कम भी हो सकती है एंड दैट कैन बी मोर नेचुरल ग्रोथ रेट से। ठीक है, तो इस तरह हम डिवाइड किया, कुछ जगह आपको इस तरह भी दिखेगा कि एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, जैसे कि मैंने पहले डिवाइड किया कि हमारी एक्चुअल कितनी ग्रोथ रेट है, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ कि हमें ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, या ग्रोथ रेट को सस्टेन करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ कि हमारे ऊपर जो है, जैसे कि हमारे ऊपर क्या है, आप ग्रोथ जो है हमें मैक्सिमम बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते हो, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे ऊपर जो लिमिट्स लगी हुई है कि इससे ज़्यादा और इससे कम हमारी ग्रोथ रेट नहीं होनी चाहिए, दैट इज द नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम तीनों के ऊपर बात करेंगे, तीनों के फॉर्मूले क्या है, कैसे उन्होंने डिस्कस किया, वो सब अब हम देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारी एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ है, पहले हम इसी की बात करेंगे। ये हमारी एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ बेसिकली क्या बात करती है, एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ में उन्होंने जो है इस तरह से डिफाइन किया, जी सी इज इक्वल टू, आपको देख के समझ नहीं आया होगा लेकिन हम इसको अच्छे से डिटेल में करेंगे। लाइक आपने कई जगह देखा होगा कि आपको डायरेक्टली ये, लेकिन ये आया कहाँ से है हम उस चीज के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ये आया कहाँ से है, ठीक है, कैसे हमें पता चला कि ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो पहले हम बात करें जी सी इज इक्वल टू एस, जिसमें जी क्या है, सी क्या है और एस क्या है। तो जी हमारी है एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, व्हाट इज जी, एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, सी कैपिटल आउटपुट रेशियो, एंड व्हाट इज छोटा एस, ये छोटे वाला एस है, ये तो क्या है एस बाय वाई, यानी कि सेविंग रेट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ निकाले तो वो क्या हो जाएगी, जी इज इक्वल टू एस बाय सी, यानी कि सेविंग रेट डिवाइडेड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो, वो हमारी क्या हो जाएगी, एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ।
लेकिन भाई ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ठीक है, तो हम बेसिकली उस पर बात करने वाले हैं। अब ये कई जगह आपको देखो ये नहीं भी गिवन होगा, लेकिन हम ये बात भी करेंगे कि ये आया कहाँ से फॉर्मूला, ऐसे कैसे आ गया। ठीक है, तो देखो ये तो सबको पता है कि इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ आता है, जहाँ पर ए डी ए एस के इक्वल होता है। ए डी एग्रीगेट डिमांड, ओपन इकोनॉमी में तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट होता है, लेकिन हम लोग क्या है एक क्लोज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो भी विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो हमारा ए डी जो है वो क्या होगा, ओनली सी प्लस आई। ठीक है, ए एस हमारा क्या होता है, सी प्लस सेविंग, अगर गवर्नमेंट हो तो टैक्स भी लगता है प्लस, लेकिन गवर्नमेंट तो है नहीं, तो हमारा क्या होगा सी प्लस एस, सी से सी कैंसिल, आई इज इक्वल टू एस। तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, जहाँ पर हमारी इनकम इज क्या होती है, हमारी इनकम सेविंग के इक्वल। ठीक है, हम बात करते हैं कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से, वो हम इसी के थ्रू निकालेंगे कि आई इज इक्वल टू एस के थ्रू। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होती है, कैपिटल आउटपुट रेशियो के बाय वाई। ठीक है, तो कैपिटल आउटपुट रेशियो हमारी बेसिकली क्या होती है, के बाय वाई। सेविंग रेट, सेविंग रेट हमारी क्या होती है, के बाय वाई जो है हमारी ये होगी, तो सेविंग रेट एस बाय वाई। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में हमारा वो जो हमने एक्चुअल ग्रोथ का फॉर्मूला लिखा था वो आया कहाँ से था। ठीक है, तो देखो अब उसका तरीका क्या है हमारा, इसको सिंपली हम पुट करेंगे, जैसे हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि कैपिटल आउटपुट रेशियो छोटे वाला सी इक्वल टू के बाय वाई। ठीक है, देन ये वाला छोटे वाला एस यानी कि सेविंग रेट इज इक्वल टू एस बाय वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें चाहिए, आई और एस इक्वल लाना है। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट करके हम देखेंगे, तो आई आई जो है हम लोग देखते हैं, लेकिन एस तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये था, लेकिन आई नहीं है, लेकिन हम आई ला सकते हैं कहाँ से, कैपिटल, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि चेंज इन कैपिटल वुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कि जो हमारे कैपिटल में चेंज होता है वो इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है। ये तो आपने पढ़ा होगा। वैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे कि सपोज मेरे पास ये मेरी फैक्ट्री है, इधर मेरे पास चार मशीन, तो मेरी कैपिटल कितनी थी फोर, अब मैंने दो और मशीन खरीद ली, मेरी कैपिटल कितनी हुई छः। तो अगर मैं कहूँगी मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट कितनी हुई दो, यानी कि कैपिटल में कितना चेंज आया दैट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो चेंज इन कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से पकड़ के लाते हैं कि चेंज इन कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, तो सी इज इक्वल टू के बाय वाई, इधर ले आए सी इज इक्वल सॉरी सी वाई इज इक्वल टू के, चेंज लाइन पूरी इक्वेशन में चेंज वाला वो लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर देखो कैपिटल आउटपुट रेशियो का चेंज, लेकिन रिमेंबर हमने क्या कहा था, कैपिटल आउटपुट रेशियो इज कॉन्स्टेंट इन द, जब हमने अजम्पशन की। ठीक है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आउटपुट में तो हमने ऐसा नहीं कहा था, तो आउटपुट में चेंज आ सकता है, तो स्मॉल सी चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू चेंज इन के। चेंज इन के क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, ये ऐसे के ऐसे ही रहने देते हैं, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर वन। अब यहाँ पर ऐसे ही करेंगे, यहाँ तो हमें सीधा साधा एस दे रखा है, तो स्मॉल एस इंटू वाई इज इक्वल टू एस, यहाँ तो कुछ हमें करना ही नहीं है, दैट इज इक्वेशन नंबर टू। अगर हम इक्वेशन वन को इक्वेशन टू के इक्वल रखें, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आई इज इक्वल टू एस होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आई इज इक्वल टू एस करूँ, तो आई किसके इक्वल है, सी चेंज इन, एस किसके इक्वल है, ठीक है, चेंज इन वाई बाय वाई इज इक्वल टू एस बाय स्मॉल सी। चेंज इन वाई बाय वाई क्या होता है, चेंज इन वाई बाय वाई क्या होता है, हमारी ग्रोथ रेट। चेंज इन वाई बाय वाई क्या होता है, ग्रोथ रेट। देखो क्या होती है कि हमारी आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है ओवर द पीरियड। ठीक है, आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है ओवर द पीरियड, हम क्या देखते हैं कि कितना चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट की, तभी तो हमें रेट पता चलती है ना कि रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, ग्रोथ तो की आउटपुट में कितना चेंज है, लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ किस रेट से चेंज आ रहा, तो चेंज इन बाय बाय बाय, तो ये हमारी क्या होगी ग्रोथ रेट। तो एक्चुअल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू स्मॉल सी बाय सी, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं, एक्चुअल ग्रोथ रेट को हमने किस से डिनोट किया था, जी से, तो जी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू एस, और ये
यही तो फॉर्मूला दिया था हैरड ने, किसका एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ था। तो बेसिकली हमें ये देखना था कि ये भाई फॉर्मूला आया कहाँ से, तो हमें पता चल गया कि कैसे आया। हमने दो चीजों से निकाला, कैपिटल आउटपुट रेशियो, सेविंग रेट। कैपिटल आउटपुट रेशियो से चेंज की बात की तो वहां से हमें पता चला कि सी इंटू चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू आई होता है, ठीक है। ये तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, सेविंग रेट मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू सेविंग, ठीक है। आई और एस को इक्वल रखा एंड फाइनली वी गोट दिस, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें, हमारी एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो गई, जी इज इक्वल टू एस बाय सी। तो ये क्या है, जी इज इक्वल टू एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ मैं कहूंगी कि 10 खाए ना कोई,
कि मैं 20 दूंगी, आप हो सकता है बोलो कि मैं तो 30 दे दूंगी इसके, ठीक है। तो क्या होता है हमारा कि तो प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, क्योंकि क्या होता है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उससे हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन होगा क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी, तो ये मूव करेगा इन्फ्लेशन की तरफ। तो ये हमारा क्या होता है, या तो इक्वल आ जाए, ठीक है। अब हमने इसको पता है नाइफ एज क्यों का, क्योंकि ना अगर ये इक्वल, मान लो इक्वल नहीं आता और हमें हमारे पास ये दो कंडीशन आती है ना, तो हम इन दोनों से ना वापस इस पे नहीं जा सकते। जैसे कि हम लोग जो और इक्विलिब्रियम की बात करते थे, परफेक्ट कंपटीशन या कुछ और, तो हम उसमें क्या प्राइस ऊपर नीचे करके हम लोग वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाते थे, लेकिन हम यहाँ नहीं आ सकेंगे। दैट्स व्हाई इट्स नाइस, या तो ये आ जाए, ये आ गया ना तो हम इससे यहाँ वापस नहीं जा सकते, ठीक है। ये हेरेड की सबसे बड़ी लिमिटेशन लाइफ एज इक्विलिब्रियम, जिसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्यों हम यहाँ से यहाँ नहीं जा पाए, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एक्चुअल की बात, वारंटेड रह गया अपना नेचुरल। देखो हमने यहाँ पर क्या देखा बेसिकली, एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारी क्या थी, जी इज इक्वल टू सी बाय, सॉरी एस बाय सी, सेविंग रेट डिवाइडेड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो। हमें यहाँ से पता चला कि जो ग्रोथ रेट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेविंग के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपिटल आउटपुट रेशियो के। मतलब कि अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब सेविंग बढ़ेगी, सेविंग रेट तो ग्रोथ भी बढ़ेगी। अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होगी तो ये ग्रोथ रेट बढ़ेगी, ये ज्यादा होगी तो ये कम होगी, ठीक है। तो इन दोनों में उल्टा रिलेशन है और इनमें सीधा रिलेशन है। अब क्या हो, मान लो कि हमारी सब कुछ अच्छा चल रहा हो और हमारा सेविंग बढ़ती जाए और कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होती जाए, तो हमारी ग्रोथ रेट तो बहुत तेजी से होने लगी। लेकिन मैंने क्या कहा था कि ज्यादा ग्रोथ रेट भी हम लोग नहीं चाहते, तो हमें क्या, हम एक लिमिट लगा देते हैं ऊपर भी और नीचे भी, इससे ज्यादा और इससे कम हमारी ग्रोथ रेट नहीं होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता जैसे कि वारंटेड वगैरह का था। ये बस यही है कि हमारी जो है, अगर ये हमारा ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है, अगर ये हमारा सेविंग रेट ज्यादा हो जाती है, बढ़ती ही चली जाती है, तो हमारी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा शूट अप करने लगेगी, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास एक अपर लिमिट होगी कि हम उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं ला सकते। इन द सिमिलर वे अपोजिट, क्योंकि हमारी ये बहुत ही कम होने लगी तो हमारा क्या होगा, बहुत लाइक हमारी शार्पली डिक्लाइन करेगी ग्रोथ रेट, वो भी हम लोग नहीं कर सकते। सो इसीलिए हमारे ऊपर क्या है, ये नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ है कि एक अपर लिमिट और एक हमारे पास लोअर लिमिट। दूसरा, हमारे पास नेचर की तरफ से कुछ कॉन्स्ट्रेंट है, जैसे कि लेबर की प्रोडक्टिविटी हो गया, और लेबर हो गया नंबर ऑफ लेबर, हमारे पास कुछ कॉन्स्ट्रेंट है नेचर की तरफ से, ठीक है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो उस नेचर की कॉन्स्ट्रेंट में रहते हुए हमें मैक्सिमम अचीव करना है, ठीक है। तो विद इन दोज नेचुरल कॉन्स्ट्रेंट लिमिट्स हम लोग कितना ग्रोथ अचीव कर सकते हैं, दैट इज आवर नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक्चुअल जो है ना वो नेचुरल से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकती, एक्चुअल वुड नेवर बी ग्रेटर देन दी नेचुरल, ठीक है। क्योंकि हम इतनी ग्रोथ कर ही नहीं सकते कि लिमिट से ज्यादा, मतलब हमारी लिमिट पार हो जाए हम ग्रोथ करें, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो बात करेंगे ही नहीं कि एक्चुअल वुड बी लेस देन लाइक नेचुरल तो क्या होगा, या एक्चुअल ज्यादा है तो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा होगी ही नहीं, या तो इक्वल होगी या कम होगी, तो हम बात नहीं करते। हम बात करते हैं अगर हमारी वारंटेड कम है नेचुरल से, या फिर वारंटेड ज्यादा है नेचुरल से, ठीक है। हम सिर्फ इन दो चीजों के ऊपर बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने वारंटेड को डिनोट किया था जी डब्ल्यू से, सिमिलर द फैशन में हम लोग नेचुरल को जी एन से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर नेचुरल की बात करें तो नेचुरल देखो हमारी कहाँ पर फिट हो सकती है, तो ये है हमारा गेन है, एक्चुअल ग्रोथ रेट हम कहाँ लाएंगे, तो एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारी कहाँ पर आएगी। तो देखो मैंने क्या कहा था, एक्चुअल वुड ऑलवेज बी लेस देन नेचुरल, यहाँ पर क्या है, नेचुरल इज ग्रेटर देन हमारी वारंटेड, तो हम लिख सकते हैं जी वाई इज लेस, जी वाई इज लेस देन जो हमारी एक्चुअल है, एंड दिस इज लेस देन हमारी नेचुरल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने कहा था कि जो भी हमारी नेचुरल है ना वो कभी भी इससे ज्यादा, मतलब इससे कम नहीं हो सकती। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि हमारी जो एक्चुअल है वो इससे कम रहेगी, तो जी डब्ल्यू वुड बी ग्रेटर देन जी एन, वुड बी ग्रेटर देन जी,
तो दोनों में हमारी क्या दिख रहा है, हमें एक्चुअल जो है वो नेचुरल से कम है, एक्चुअल जो है वो नेचुरल से कम है, तो ये दोनों कंडीशंस होगी डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जब तीनों इक्वल हो, डिसइक्विलिब्रियम जब ये सिचुएशन, जैसे इन्फ्लेशन डिप्रेशन वाली बात हुई थी हमारी वहां पर, सिमिलर वे हम यहाँ पर भी वही बात कर सकते हैं। देखो हमें दिख रहा है जी डब्ल्यू इज लेस देन जी, जी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जी, ठीक है, अगर आप नेचुरल को बीच में ना भी लाओ तो वही सेम प्रोसेस हमारा, ओवर प्रोडक्शन देन हमारा एक तरफ डिप्रेशन होगा एंड दूसरी तरफ इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। जब हमारी एक्चुअल लेस होगी हमारी रिक्वायर्ड से तो हमारा इन्फ्लेशन एंड इन दी अनदर केस हमारा क्या होगा, डिप्रेशन की तरफ मूव करके। तो ये तो हमारा जो हमारा हो गया। अब हम इसके एक डायग्राम की बात करेंगे, तो डायग्राम हमारा बेसिकली डिसइक्विलिब्रियम की तरफ हम लोग देखेंगे क्योंकि सेम तो ये होंगी नहीं, ठीक है। तो डायग्राम, तो जैसे कि हमने कहा ये हमारी मान लो जी डब्ल्यू, ये हमारी मान लो जी, क्या है ये हमारी जी डब्ल्यू जी है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बात की कि जो हमारी जो एक्चुअल ग्रोथ रेट होगी ना That would be less than this, वो क्या होगी इससे less होगी, तो ये हमारा होगा जी एक्चुअल ग्रोथ रेट, मतलब कि जब हमारी नेचुरल ग्रोथ रेट हमारी जो भी वॉरंटेड ग्रोथ है उससे कम है तो हमारी जो एक्चुअल है वो यहाँ होगी, ठीक है। तो ये तो हमारा एक डायग्राम। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, उल्टा हो जाए, जब नेचुरल हमारी ज्यादा हो ग्रोथ रेट, वॉरंटेड हमारी उससे कम हो, तो हमारा जो लाइक होगा वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारी क्या होगी वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। देखो इनका सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिकली इनका सिग्निफिकेंस ये है कि हमारी नेचुरल ग्रोथ रेट इतनी है, वॉरंटेड इतनी है, मतलब तो हम कह रहे हैं कि हम लोग ना इतनी अचीव कर लेंगे, लेकिन नेचर ने तो भाई लिमिट लगा रखी है ना, तुम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। नेचर की तो लिमिट है कि हम इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते, तो हमारी एक्चुअल जो है वो कहीं ना कहीं मतलब इससे नीचे है, और हम लोग कहाँ जाएंगे, नेचुरल की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, वहां तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास नेचर की लिमिट है, ठीक है। अब हम लोग लेबर कहीं और से थोड़ी पकड़ के लाएंगे, नेचर ने लिमिट लगा रखी है, जितनी लेबर है उतनी है हमारे पास, उससे ज्यादा हम नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस है कि क्या हुआ, नेचुरल और जो हमारी वॉरंटेड है वो ये एक्चुअल है, तो हमारी अगर वॉरंटेड इज ग्रेटर देन दी नेचुरल तो हमारी ग्रोथ रेट एक्चुअल जो है वो कहीं ना कहीं से नीचे होगी और हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स जी एन, और ये वॉरंटेड जो हमारी अपने आप नीचे आने लगेगी क्योंकि हमारे पास इतना है ही नहीं कि हम कर सकें, हमारे ऊपर नेचर ने लिमिट लगा रखी है। यहाँ पर क्या होगा कि हमारी वॉरंटेड लेस देन नेचुरल, मतलब हमने सोचा है कि हम मैक्सिमम इतनी कर सकते हैं लेकिन नेचर हमको परमिट कर रहा है, अरे नहीं भाई तुम तो ज्यादा कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास जो लिमिट है मतलब जो हमारी नेचर है उसको हमको ज्यादा परमिट कर रहा है, लेकिन हमने मैक्सिमम सोची कितनी कितनी, तो हमारी वॉरंटेड भी है लेकिन हमें नेचर ज्यादा परमिट कर रहा है, तो हम एक्चुअल क्या है, हम एक्चुअल में वॉरंटेड नेचुरल की तरफ मूव करेंगे, यानी हमारी ग्रोथ रेट क्या है बढ़ेगी किसकी तरफ, टुवर्ड्स दी नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, दो डायग्राम थे। तो ये हमारा हैरेड का जो बेसिकली मॉडल है वो यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। जो क्रिटिसिज्म है जब हम डोमर का कर लेंगे ना उसके बाद करेंगे, तो क्रिटिसिज्म हम लोग बाद में देखते हैं, देन इनका रेलेवेंस क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे, एंड एट दी एंड नाइफ एज इक्विलिब्रियम क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है इसके बाद हम पहले बात करेंगे डोमर मॉडल ऑफ ग्रोथ की, डोमर ने बेसिकली क्या बातें कही, तो अब हम बात करते हैं डोमर की मॉडल की जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है। तो डोमर ने बेसिकली क्या क्या बातें कही, देखो डोमर का जो फोकस था ना वो फोकस क्या था कि ना तो इन्फ्लेशन हो ना ही डिफ्लेशन, सीधी सी बात है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं होनी चाहिए, और हमारा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कब होता है, जब जितना हमारा प्रोडक्शन है, जितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज्यादा डिमांड हो जाए, या जितना प्रोडक्शन है उससे कम डिमांड हो जाए, ठीक है। ज्यादा डिमांड हुई तो इन्फ्लेशन होगा, कम डिमांड हुई तो डिफ्लेशन होगा, ठीक है। लेकिन हमें कहीं नहीं जाना, हमें तो भाई ग्रोथ पे आना है, इक्विलिब्रियम पे आना। तो जो है जो डोमर थे उन्होंने बेसिकली बात की कि जो भी हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है, मतलब इकोनॉमी में जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है, क्योंकि डिमांड कहाँ से होती है, इनकम से, डिमांड हम लोग क्यों करते हैं, इनकम से करते हैं, पैसा आता है तभी तो हम डिमांड करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली उनका फोकस क्या था कि डिमांड जो है ना वो सप्लाई के इक्वल होनी चाहिए। डिमांड कहाँ से आती है, जब हमारे पास इनकम होती है, सप्लाई एक
नेशन की डिपेंड करती है प्रोडक्टिव कैपेसिटी, कि वो नेशन जो है वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है। तो जो डोमर का मॉडल था वो क्या, किस बात पे फोकस था कि जो हमारी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम हो, यानी कि इनकम जितनी रेट से ग्रो करे, अगर उसी रेट से हमारा प्रोडक्शन भी ग्रो कर रहा है तो हमारा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं होगा। अगर इनकम ज्यादा ग्रो कर रही है और प्रोडक्शन कम ग्रो कर रहा है तो हम लोग मूव करेंगे इन्फ्लेशन की तरफ। अगर इनकम कम ग्रो कर रही है और प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो हमारे साथ क्या होगा, डिफ्लेशन। ठीक है, तो उनका क्या कहना था कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, इस पे बेस था। तो भाई ग्रोथ ऑफ इनकम क्या हुई, डिमांड, ये क्या हुई सप्लाई। तो डिमांड जो है वो सप्लाई के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि अब हम एक तो डिमांड साइड की बात करेंगे और एक सप्लाई साइड की। ठीक है, जैसे उन्होंने जो है फोकस किया था कैपिटल आउटपुट रेशियो और सेविंग रेट पे, हेल्ड इनका जो फोकस है डोमर का, वो इनका फोकस कहाँ पर होगा हमारा बेसिकली, वो ये लोग करते हैं MPC, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, इन चीजों के ऊपर, जैसे कि देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा है, हम लोग इनकम की डिमांड करते हैं, वो क्यों करते हैं जब हमारी इनकम ज्यादा होती है। देखो इनकम ज्यादा क्या होती है, या तो हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करे तब हमारी इनकम ज्यादा होगी, या दूसरा हमारा MPS कम हो। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है ना, हमारा इनकम खर्च करने की, हमारे पास जो पैसा है, देखो हमारे पास हमारी जितनी भी इनकम है, मान लो मेरी 100 रुपए इनकम है, तो मैं ऐसा तो नहीं है ना कि 100 के 100 खा जाऊंगी, कुछ सेव भी करूंगी, भाई फ्यूचर में नीड पड़ सकती है। तो एक तो हमारी सेविंग रेट कम होनी चाहिए कि मैं कम सेव करके ज्यादा खाऊं। ठीक है, तब हमारा क्या होगा, डिमांड होगी, कि मैं कम सेव करूं और ज्यादा खाऊं तब हमारी डिमांड होगी। तो वो कम सेव करना, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इनकम इंक्रीज इनकम का कितना पोर्शन हम लोग सेव कर रहे हैं, होता है MPC। तो ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये कम होगा, ये कम होगा मतलब कि मैं बचा के कम रखती हूँ, मतलब मैं खा ज्यादा दूँ, तो इसका मतलब मेरी क्या होगी, डिमांड ज्यादा होगी। मल्टीप्लायर हम लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट से, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है तो इनकम ज्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट कम इनकम कम। ये अगर ऐसा होता है कि मान लो इन्वेस्टमेंट तो 2 गुना बढ़े और इनकम 4 गुना बढ़ते, क्योंकि मल्टीप्लायर क्या होता है, कई मतलब इनकम में ज्यादा चेंज आता है, कितना आता है वो अलग कंसेप्ट है। ठीक है, उसके लिए और चीजें मैटर करती है। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि हमारी इनकम की जो हम जो कितना डिमांड कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट और MPC कितना है। इन्वेस्टमेंट के वो क्या है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी इनकम कम होगी, इसके इनवर्सली प्रपोर्शनल। सेविंग ज्यादा है तो हम कम कंज्यूम करेंगे, सेविंग कम है तो हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो यहां से हमें बेसिकली क्या पता चलता है, डिमांड फॉर इनकम इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय MPS, और MPS को हम चलो अल्फा से डिनोट करें। ठीक है, पता चल गया ना, इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, MPS के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट, ये हमारा क्या है MPS, और ये क्या है डिमांड फॉर द इनकम। अगर हम सप्लाई की बात करें, हमने देखो क्या बात की, प्रोडक्टिव कैपेसिटी की। प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होता है, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है कि एक तो हमारे पास कैपिटल कितनी है। ठीक है, एक तो हमारे पास कैपिटल कितनी है, क्योंकि हम यहाँ कैपिटल की बात कर रहे हैं, लेबर अभी हम लाई नहीं रहे। कैपिटल कितनी है, जितनी ज्यादा कैपिटल उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी, सप्लाई होगी, यानी हम उतना ज्यादा बना पाएंगे। लेकिन एक बात सोचो, कैपिटल तो पड़ी है लेकिन हम प्रोडक्शन ही ना करें तो क्या हमारा प्रोडक्शन होगा, नहीं होगा। तो साथ में क्या होनी चाहिए, प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी। ठीक है, हमारे को वो कितना प्रोड्यूस करके दे रही है एक कैपिटल, जितना ज्यादा एक कैपिटल प्रोड्यूस करके दे रही है उतना ज्यादा सप्लाई होगी। तो हमारी जो सप्लाई है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यानी हमारी कैपिटल अभी कितना प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रही है, इनटू में कैपिटल है कितनी, एक है, दो है, चार है, पांच है, छह है। मान लो हमें एक कैपिटल से 5 का प्रोडक्शन, तो 6 हमारे पास कैपिटल है, तो प्रोडक्शन कितना हो गया, 30। तो हमारी जो सप्लाई है वो इस चीज पर डिपेंड करती है। क्लियर, डिमांड की बात, सप्लाई की बात। ठीक है, अब हम लोगों ने ये डोमर का मॉडल बेसिकली यहीं पे खत्म, इससे ज्यादा जो है डोमर के मॉडल में कुछ बेसिकली बात करनी होती। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारा जो
डिमांड हमारी सप्लाई के इक्वल होगी, डिमांड आई बाय दिस सप्लाई, इसको हम लोग किससे डिनोट करें, एम पी के, चलो एम पी के ही दे, ठीक है, नहीं तो आप बीटा इस तरह बीटा से करो, मर्जी है, मतलब आप लोगों की कोई इशू नहीं है, तो एम पी के इंटू में पी, हो सकता है आपको बुक में इसको किसी नाम से डिनोट कर रखा हो, तो दैट्स नॉट एन इशू, किसी भी नाम से रख सकते हैं, ठीक है, दिस इज आई, आई डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू एम पी के मल्टीप्लाइड बाई अल्फा आई बाई के इज इक्वल टू एम पी के इंटू में हमारा ये अल्फा, ये तो एम पी के मल्टीप्लाई बाई एम पी एस लिख सकते हैं हम इसको, ये तो भाई हमारा हेरेड का इक्विलिब्रियम आ गया। अब बात आती है, देखो हमको दिखने में तो दोनों जमीन आसमान का फर्क लो कि हेरेड का तो कहाँ तीन ग्रोथ और ये कहाँ, तो क्यों हमने इनको एक ही नाम दिया कि हेरेड डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक, क्या सिमिलैरिटी दिखी, तो हमें यहाँ सिमिलैरिटी दिखी कि हेरेड की जो वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ है दैट इज इक्वल टू दिस, वो हमारी डोमर की फुल एम्प्लॉयमेंट वाली इक्विलिब्रियम के इक्वल है, ये सिमिलैरिटी है दोनों के अंदर, कैसे इक्वल है अभी देखो हम बात करते हैं, ठीक है, तो हेरेड की हमारी वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ क्या थी, याद है ना, हेरेड वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ इज इक्वल टू डोमर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ ग्रोथ, तो हेरेड की हमारी क्या थी, सेविंग डिवाइड बाय कैपिटल रिक्वायर्ड, डोमर की हमारी क्या थी, अभी हमने किया एम पी एस मल्टीप्लाई बाय एम पी के, ठीक है, अब हमें यहां से बेसिकली वहां पहुंचना है जहां पर हमारा हेरेड का मॉडल जाके खत्म हुआ था, तभी तो सिमिलैरिटी दिखा पाएंगे, ओके, तो अब लोग बात करते हैं बेसिकली यहां पर, तो देखो सेविंग डिवाइड बाय कैपिटल दिस, अगर हम बात करें एम पी एस, एमपीएस क्या होता है, चेंज इन एस डिवाइड बाय चेंज इन वाई, यही होता है, लेकिन हमने एक चीज और पढ़ी, क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, कि एस लॉन्ग रन में चेंज इन एस बाय चेंज इन वाई इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वाई, तो हम एमपीएस को एस बाय वाई भी लिख सकते हैं, एमपीएस को मैंने डिनोट किया था इससे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आई, क्या निकल के आई, एस ये एमपीएस इज इक्वल टू एस बाय वाई, ठीक है, अब अभी हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, हम एस को यहीं रखें और इनको कर दें मल्टीप्लाई, दिस इज आर इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे, सेम हम वही कर रहे हैं एस और आई वाला इक्वल लाने, ठीक है, यहां तक हो गया, अब जो हमारी सेविंग सप्लाई थी हमारी इनकम की, इनकम की सप्लाई, क्योंकि जो हमने करना था डिमांड साइड से वो कर लिया, ठीक है, डिमांड साइड से हमें जो है इसकी नीड थी वो हमने कर लिया, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, तो बेसिकली YS, ठीक है, YS हम लोगों ने लिखा, जो हमारी सप्लाई थी कैपिटल की वो किस पे डिपेंड आउट करती थी, एम पी के मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल, इसके ऊपर डिपेंड करती थी, तो हम इसके साथ जो है अपना सब कुछ करेंगे, ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्या होगा, इसको लिखते हैं YS इज इक्वल टू एम पी के मल्टीप्लाइड बाय YS डिवाइड बाय एम पी के इज इक्वल टू के, ठीक है, यहाँ तक तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है, अगर मैं लिखूँ चेंज इन वाई एस, ठीक है, आप इसको एस लिखने की भी नीड नहीं है, एस चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन वही बात है चेंज, क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम में क्या होता है डिमांड सप्लाई के इक्वल होता है, तो चेंज इन वाई लिख, चेंज इन एम पी के डिवाइड बाय चेंज इन के, कुछ याद आया, चेंज इन के किसके इक्वल होता है, चेंज इन के हमारा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर से जाएं चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एम पी के इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यहाँ तक हम लोग सही से पहुँच गए, ठीक है, अब जो मार्जिनल जो हमारी ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ठीक है, ये बेसिकली अपनी क्या रहने वाली है ना, ये है कॉन्स्टेंट, जैसे हमारा पहले वाली चीजें कॉन्स्टेंट थी ना, ये भी हमारी अजम्पशन थी कि जो भी कैपिटल है, कैपिटल कितनी चाहिए, कैपिटल से कितना प्रोडक्शन होगा, एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमारी कैपिटल आउटपुट रेशियो कॉन्स्टेंट, तो ये तो हमारी है कॉन्स्टेंट, तो इसमें हम चेंज की बात करेंगे नहीं, तो चेंज इन वाई वाई में एम पी के इक्वल टू आई, क्या मैं आई की जगह एस लिख सकती हूँ, ऑब्वियसली, ठीक है, तो चेंज इन वाई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय एम पी के
चेंज इन वाई इज इक्वल टू आई, आई का हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी आई का तो कुछ नहीं करेंगे, एम्प्टी के का भी कुछ नहीं होगा। एक ये क्वेश्चन आ गई हमारे पास और एक हमारे पास ये पहले से पढ़ गया। अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे यहाँ पर, देखो ये हम लोगों को चेंज इन वाई है, आई है, एम्प्टी के है, यहाँ पर ये सब दे रखा है। अब हम लोगों को क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर हम लोग एस को लेके आएंगे, ठीक है, जिससे कि वो इक्वेशन हमारी सेम हो और हमारा सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग क्या करेंगे, आई को एस के इक्वल चेंज इन वाई डिवाइड बाय एस इनटू में एमपी। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई मेनली, ठीक है, अब हम इन सबको इरेज करके मेनली अपनी दो इक्वेशन की बात करते हैं। चलो बीच वाला पोर्शन इरेज कर देते हैं, हमारे पास दो चीजें आई, एक तो ये और दूसरा ये, ये हमारी कौन सी थी डिमांड साइड, ये कौन सी थी सप्लाई साइड, दोनों को क्या करें इक्वल रख सकते हैं, ठीक है, दोनों को तो हम बेसिकली क्या करेंगे, तो दोनों को हम लोग क्या है इक्वल रख देंगे, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों में एस कॉमन लेके और दूसरी तरफ हम उसको इक्वल भी रख सकते हैं, तो जिससे कि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बहुत ईजिली, मतलब कि अपना सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग बेसिकली यही करेंगे, जैसे कि ये हमारा दे रखा है, ठीक है, यहाँ से अगर मैं एस को ले लूँ तो मैं क्या होगा चेंज इन वाई डिवाइड बाय एम पी के, यही हमारी इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एस यहाँ है, एस यहाँ, तो ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन एस एस के इक्वल है दोनों, तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए ग्रोथ रेट, तो चेंज इन वाई बाय वाई कर देंगे, इस वाई को उधर ले आएंगे और इधर को इसको इधर ले आएंगे, तो ये हमारा लास्ट में आंसर आ गया। तो एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारी किसके इक्वल है, जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो किसके इक्वल है, जो भी हमारा ये एम पी एस मल्टीप्लाई बाय एम पी, यही तो हमने बात की थी कि हैरेट की जो ग्रोथ है वो इक्वल होगी हमारी किसकी ग्रोथ के, डोमर के इक्विलिब्रियम के, ठीक है भाई, हमने लास्ट में आके प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये हमने लास्ट में प्रूव करना था और ये हमने कर दिया। यहाँ पे हम एक और तरीके से भी अगर चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, इसे हमको ये दे रखा है तो आप डायरेक्टली ये भी कर सकते थे कि एस की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हम डायरेक्टली एस की वैल्यू पुट एस इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन टू करके, और इसमें हम डायरेक्टली एस की वैल्यू पुट कर सकते थे, एस की वैल्यू क्या है ये मल्टीप्लाई बाय एम पी के काफी ज्यादा फोकस करता है, अगर एक इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उसकी कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होनी चाहिए। सेकंड चीज, इकोनॉमी में अगर ग्रोथ चाहिए तो हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने के लिए क्या होना चाहिए, सेविंग रेट जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन द पॉइंट बिंग वो सेविंग इन्वेस्ट भी होनी चाहिए, ठीक है, वो सेविंग इन्वेस्ट भी होनी चाहिए, ठीक है, वो सेविंग इन्वेस्ट हो रही है तो सेविंग रेट ज्यादा होनी चाहिए। एंड मेन इसका रेलिवेंस क्या है कि अगर आपके खुद के देश में सेविंग नहीं है, पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, गो फॉर द एफडीआई, तो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव करना पड़ेगा अगर आपकी खुद की नेशन के अंदर वो चीज अवेलेबल नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिमिटेशन, और लिमिटेशन में हम बात करते हैं एज इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, ये बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि लाइक दिखा दिया होगा आपको बुक्स में भी कि जी डब्ल्यू ग्रेटर है, जी डब्ल्यू लेस है, और वो नाइफ एज इक्विलिब्रियम, लेकिन रेलेवेंस क्या है अब हम वो देखेंगे, ठीक है। तो ये नाइफ एज इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या बात करते हैं, देखो हम लोग इसमें बात करें, अगर हमने जैसे ये स्टार्ट किया था हैरेट मॉडल, तो मैंने स्टार्टिंग में बात बताई थी कि हम लोग यहाँ पर और जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है फर्स्ट चीज वो हमारी कॉन्स्टेंट पर, खैर हमने लेबर की बात नहीं की थी, हम पहले कैपिटल पे आते हैं कि जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो कॉन्स्टेंट है, मतलब कि हमें 10 आउटपुट बनानी है तो हमें 4 कैपिटल की नीड है, दैट इज कॉन्स्टेंट, वो क्या है पहले से ही कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब हम प्रोडक्शन करते हैं, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम लोग यहाँ पर अजम्पशन ले रहे हैं कि हम लोग दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, वन इज लेबर, सेकेंड इज कैपिटल। जब आप
दिया कि इतने प्रोडक्शन के लिए इतनी कैपिटल फिक्स है, तो इट मींस कि लेबर भी फिक्स है, क्योंकि हमें दो ही तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। जब कैपिटल फिक्स कर दी तो लेबर भी फिक्स हो गई, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप दस, अगर आप चार कैपिटल लगा रहे हो तो और पांच लेबर लगा रहे हो, तो अगली बार चार कैपिटल पे छह लेबर लगाओगे और प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इट कांट हैपन। तो हमें क्या पता चला अजम्पशन से ही कि हमारी कैपिटल आउटपुट रेशियो तो फिक्स है, वो तो हमने लिया, लेकिन हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी दो ही है, लेबर और कैपिटल। जब हमारी कैपिटल फिक्स है तो ऑटोमेटिक लेबर फिक्स, और जब हमारी लेबर फिक्स है तो लेबर की प्रोडक्टिविटी फिक्स। जैसे कि मान लो 10 का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, और हमारी फिक्स है कि हम चार ही लेबर लगाने वाले, तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी कि एक लेबर हम लोगों को 2.5 का प्रोडक्शन दे रही है, फाइन, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि हमारी जो कैपिटल प्रोडक्टिव, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी, लेबर की प्रोडक्टिविटी दोनों फिक्स है, यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो, सॉरी के बाय वाई, और लेबर आउटपुट रेशियो वो भी सेम है, यानी कि लेबर की प्रोडक्टिविटी भी सेम है, ठीक है। अब हमारा जो इक्विलिब्रियम था, वो हमारा इक्विलिब्रियम बेसिकली कहां पर आता है, इक्विलिब्रियम आता है जी इज इक्वल टू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम, ठीक है। इसको तो भूल जाओ क्योंकि ये तो एक्चुअल है, जो हमारी हुई है, हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे, बात करेंगे क्योंकि हम ये भी सोच रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं, दोनों सोचने वाली चीजें। तो अगर हम वारंटेड ग्रोथ की बात करें तो हमारी किसके इक्वल थी, सेम डिवाइड बाय कैपिटल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू जी एन। अगर हम लोग जी एन यानी कि नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, तो देखो नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो हमारी दो चीजों पर डिपेंड करती है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि हमारे ऊपर एक नेचर की तरफ से एक कॉन्स्ट्रेंट है, और वो कॉन्स्ट्रेंट क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ लेबर फिक्स है, एम फिक्स है, प्लस लेबर की हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी वो फिक्स है, ठीक है। उसको हमने ले लिया, चलो अल्फा तो हमने पहले से लिया था, गामा लिया, तो ये लेबर की प्रोडक्टिविटी फिक्स, लेबर फिक्स, ये नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ है, फाइन। एक्चुअल ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ, इक्विलिब्रियम में बोथ मस्ट बी इक्वल, इक्विलिब्रियम में एस बाय सी आर मस्ट बी इक्वल टू एन प्लस दिस। जब मैं बात करूँ एस इज इक्वल टू, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेसिकली इक्विलिब्रियम में हमारा ये होना चाहिए। लेकिन बाय चांस अगर हमारा इक्विलिब्रियम में ये नहीं होता, अगर S ज्यादा हो जाए या S कम हो जाए इससे, तो हम लोग क्या करते थे, पहले हम कहते थे कि चलो हम लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे और वापस से आ जाएंगे, या हम नंबर ऑफ लेबर बढ़ा देंगे तो हम वापस से इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। लेकिन नाइफ एज इक्विलिब्रियम यहाँ क्यों है कि आप ये जो नाइफ है ना, इसके एज पे खड़े हो, बिल्कुल किनारे पे, अगर आप लोग इधर उधर मूव करोगे ना सीधा नीचे गिरोगे, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या बात हो रही है कि हमने अजम्पशन ली, हमने अजम्पशन में क्या लिया, कैपिटल आउटपुट रेशियो इज फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड, सेविंग इज फिक्स्ड, अभी अभी बात की लेबर की प्रोडक्टिविटी इज फिक्स्ड, नंबर ऑफ लेबर इज फिक्स्ड। अरे भाई सब कुछ ही फिक्स है तो चेंज क्या करें इक्विलिब्रियम में आने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज नाइस एज इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर हम इक्विलिब्रियम में आए तो बहुत अच्छी बात है। हैरेट के अकॉर्डिंग, हैरेट के मॉडल की सबसे बड़ी लिमिटेशन है, इक्विलिब्रियम में आ गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आ ही नहीं सकते, ठीक है, गलती भाई रेयर है कि आ जाओ। लेकिन अगर आप इक्विलिब्रियम में नहीं आए, इक्विलिब्रियम से ज्यादा कम आ गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम में नहीं हो आप, डिसइक्विलिब्रियम में, तो आप इक्विलिब्रियम पे भी नहीं पहुंच सकते। व्हाई? बिकॉज आप लोगों ने क्या ले रखा है, ये ले रखा है। यहाँ पर हमारा बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने सारे के सारी चीजें ही कॉन्स्टेंट ले रखी है, और कॉन्स्टेंट में कोई चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि हमने बात की कि हमारी लेबर कैपिटल दोनों फिक्स है, तो ये हम बनाते थे ना एल शेप आईसो पॉइंट, तो बेसिकली हमारी एल शेप आईसो पॉइंट बोलती है, उसको हम बोलते हैं फिक्स प्रोपोर्शनल, ठीक है, आईसो पॉइंट कर्व। तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग एक काम कर देना, कैपिटल आउटपुट रेशियो को फिक्स ना रखें, मतलब इस मॉडल को सुधारने के तरीके की बात कर रहे हैं हम, कि हम कैसे इस मॉडल को ठीक कर सकते हैं, तो हम कैपिटल आउटपुट रेशियो को क्या करें, ठीक, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंट ना रखें। जब ये कॉन्स्टेंट नहीं होगी तो ये भी कॉन्स्टेंट नहीं होगी, तो ऑटोमेटिक हम इन दोनों में कुछ चेंजेस लाके वापस इक्विलिब्रियम पे आ सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसको कॉन्स्टेंट ले रखा है, जैसे कि हैरेट ने ले रखा था, तो हमारे लिए वापस इक्विलिब्रियम पे आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी सारी ही चीजें कॉन्स्टेंट है, और जब सभी कॉन्स्टेंट है तो हम चेंज किसके अंदर लेके आए इक्विलिब्रियम पे आने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा हैरेट का मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने बात की पहले हैरेट के मॉडल की, देन डोमर, देन दोनों में लाइक क्यों हमने इनको सेम कैटेगरी में डाला, थर्ड थिंग हमने बात की, फोर्थ हमने बात की क्या रेलेवेंस है, फिफ्थ हमने बात की लिमिटेशन, दैट वाज नाइस एज इक्विलिब्रियम, एंड सिक्स
मैट्रिक्स हम कैसे ठीक कर सकते हैं, जस्ट ओनली बाय वन वे हम इसको कैपिटल आउटपुट रेशियो को फिक्स ना रखें। ठीक है, तो 5-6 चीज़ें हमने बेसिकली डिस्कस की, वीडियो काफ़ी लंबी भी हो चुकी है, सो थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, और आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में नंबर भी होता है, आप वहाँ पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच।